उनकी आंखों के सामने आंध्र प्रदेश के आदिवासियों पर इतना नुकसान हो रहा है। 1,06,000 परिवार है जो इस पानी में डूब जाएंगे डैम बनने की वजह से। गिवन टू ट्राइब्स, गिवन टू विलेज पंचायती। हिंदुस्तान का आदिवासियों को और हिंदुस्तान का जो गरीब लोगों को बचाने के लिए कदम उठाना होगा। नमस्कार, न्यूज क्लिम का आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आंध्र प्रदेश से जो आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं, खासकर जो पोल्लम डैम से जो विस्थापित परिवार है, वो उचित पुनर्वास की मांग को लेकर यहां धरना देने आए हैं। और ये पिछले कई लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं, और दिल्ली में राष्ट्रीय धरना का आयोजन सीपीएम पार्टी ने किया था। उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के नेता, इसके अलावा खेत मजदूर यूनियन और आदिवासी संगठन नेताओं ने भी इनके आंदोलन को समर्थन दिया है। सरकार से न्यायोचित पुनर्वास की मांग की है, साथ साथ केंद्र सरकार से वहाँ जो फंड रोका हुआ है पिछले कई सालों से, उस फंड को रिलीज करने की मांग की है। हमने सीपीएम नेताओं से और अन्य नेताओं से बात करके समझने का प्रयास किया पूरा इशू क्या है और इसका प्रभाव कितनी बड़ी आबादी पर, इसका असर आम जनता पर क्या होगा और आगे उनका आंदोलन कैसे चलेगा। पोल्लम प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ था। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना और आंध्रा जब आई, उस समय इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषणा की गई और केंद्र सरकार ने कहा इसके लिए खर्चा जो है वो पूरा का पूरा, वो जिम्मेदारी एक नेशनल प्रोजेक्ट होते हुए केंद्र सरकार की। और उसी से कुछ दिन पहले 2013 में एक नया लैंड एक्विजिशन कानून बनाया। उस कानून के तहत कितना होना चाहिए रिहैबिलिटेशन, कितना होना चाहिए आपका रिलीफ उनको, ये सब तय हो चुका है। ये कानून है, वो उसके आधार पर उनको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज देकर आप उनको रीसेटल करिए। वरना आज 1,06,000 परिवार है जो इस पानी में डूब जाएंगे डैम बनने की वजह से। ये मोदी सरकार की आदिवासियों के अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान, कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेशा कानून, सब पर बुलडोज करा रहे हैं। जब मोदी जी नेशनल शब्द इस्तेमाल करते किसी प्रोजेक्ट में, तो आदिवासी क्या नेशनल नहीं है? क्या वो एंटी नेशनल है? अगर आदिवासी नेशनल प्रोजेक्ट में आदिवासी की छाती पर आप डेवलपमेंट करोगे और कानून की धज्जियां उड़ाओगे, तो आज ही लोग सब आए हैं यहाँ। तो ये मोदी गवर्नमेंट इस सत्र में भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 को पास करके उनका डेवलपमेंट का जो परिभाषा है, ये पोल्लम प्रोजेक्ट उसका सबूत है कि प्रॉमिस करते हैं कि हम बराबर का अधिकार तुम्हें देंगे और हकीकत ये है बुलडोजर। आज जो ये पोल्लम के सवाल पर दिल्ली को यहाँ सब आंध्र के हमारे साथी आए हैं, किसान है, खेत मजदूर है, आदिवासी है, तो ये लगातार लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, क्योंकि ये बड़ा पोल्लम नेशनल प्रोजेक्ट है, इरिगेशन का है, मल्टी ये है, इलेक्ट्रिसिटी का है। लेकिन लगातार इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आज लाखों की तादाद में जो लोग आज उससे हटाने का प्रयास हो रहा है, तो उनके पुनर्वास के प्रति कोई भी आज ध्यान नहीं दे रहा। केंद्र सरकार नहीं दे रहा, वहाँ की राज्य सरकार नहीं दे रही, और इसलिए लगातार अभी इन्होंने कुछ दिन पहले 500 किलोमीटर की पदयात्रा आंध्र में की, 15 दिन तक चले। यानी ये सवाल को ऊपर आज ये करेंगे। बाढ़ आती है, बाढ़ का एक बहुत बड़ा नुकसान इनको सहन करना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन उसके आधार पर उसके लिए है कि मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालें कि आप अपने खुद के कानून जो बनाए, आप अपने खुद के पार्लियामेंट के जो निर्णय जो है उसके आधार पर ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को कानूनी स्तर पर पूरा करें। इफ लेडर सर्वे कैन आइडेंटिफाई 36 विलेजेस, दैट मींस द अर्लियर कंटूर सर्वे वाज रॉन्ग। सो व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस ऑल सर्वेस आर रॉन्ग। यू मस्ट फॉलो द ओरिजिनल इनंडेशन ऑफ विलेजेस व्हिच आर इन 1986 फ्लड्स एंड लेटर इन 2022 फ्लड्स।
those villages must be included in the R&R package. That is only the criteria for our demand. अब उन्होंने तो ईडी सीबीआई ने जिप लगा लिया ना जगनमोहन रेड्डी की जबान पर. अभी तो सबसे मजबूत जिप कौन सा मैन्युफैक्चरर है? ईडी सीबीआई आईटी. तू जिप लगा लिया इसलिए वो चुप है. उनकी आंखों के सामने आंध्र प्रदेश के आदिवासियों पर इतना नुकसान हो रहा है. लैंड फॉर लैंड, वो लैंड फॉर लैंड की बात ही नहीं कर रहे. वी हैड ए पादयात्रा फॉर 400 किलोमीटर्स ऑर्गेनाइज्ड डिमांडिंग जस्टिस टू द डिस्प्लेस्ड पीपल. लेटर वी रिप्रेजेंटेड स्टेट गवर्नमेंट. दे आर अनेबल टू इश्यू रिलीज द फंड्स बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज द फंड्स. सो वी डिमांड, वी केम हियर फॉर डिमांडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू द जस्टिस to displaced people. Otherwise, displaced people will fight where they are living. Without rehabilitation, they won't vacate any villages, their families. Without vacating the villages, it's not possible to complete the project. These areas are not ordinary areas. Adivasi areas mean our whole hell concentrating on that areas. For example, our mining, our coal, our bauxite, etc., etc., all are the concentrating Adivasi areas. Second, our project, our main projects also, they concentrated Adivasi areas. 30 years ago, our governments were thinking Adivasi should stay in that area. Now they changed their attitude. हम विकास का खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास का पहले जो आबादी, जो परिवार वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसको मुआवजा देना चाहिए. लॉन्ग टर्म मुआवजा. ये मुआवजा कुछ पैसे और एक घर बनाने के नहीं है. कैसे इन लॉन्ग रन ये परिवार, ये उनका जीने का बंदोबस्त होगा, ये गारंटी मिलेगा. जब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाए, इन्हें ये करना होगा. Fifth schedule means one of 70 means all rights our constitution given to tribes, given to village panchayatis, given to village sabha. We appeal all the democratic forces, janavadi takat ko iska khilaf ladke hindustan ka adivasiyon ko aur hindustan ka jo garib logo ko bachane ke liye kadam uthana hoga. Hamare sayukt kisan morcha ne bhi ये आंदोलन को और हमारे किसानों को वहाँ समर्थन दिया है. हम ये देते रहेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार इस संघर्ष के चलते ये मांगे, जो पुनर्वास की मांगे है, प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांगे है और न्याय मिलने की मांगे है, वो पूरी हो जाएगी. ये हमें पूरा विश्वास है.